इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही एटम दिया है ये मॉडल, और हाइड्रोजन एटम और किसी के लिए नहीं किया है, और ये इनके पोस्टुलेट्स हैं, इन्होंने इसमें किसी चीज़ का प्रूव नहीं किया है। सो दीज आर ओनली पोस्टुलेट्स जो इन्होंने दिए हैं। नाउ नील बोर वाज थर्टीन में दिया गया, यानी आफ्टर 1890। तो ये एक तरीके का क्वांटम थ्योरी में आ गया। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आने के बाद उस क्वांटम फिजिक्स है, और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से पहले जो भी है वो क्लासिकल फिजिक्स है या न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी। सो दो द थ्योरी इज नॉट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, उतनी मॉडर्न नहीं है। वो कह रही कि अभी उसे इतना नहीं माना जा सकता है कि इतनी मॉडर्न है, फिर भी ये क्वांटम मैकेनिक्स योर एक पहला कदम है। जस्ट ओके नाउ, तो ये एक तरीके से प्रेलिमिनरी क्वांटम फिजिक्स मानी जा सकती है, क्योंकि 1819 के बाद तो है तो क्वांटम हुई, लेकिन ये शुरुआती मॉडल था और इसमें कुछ किसी चीज़ को प्रूव नहीं किया गया, तो इट इज़ नॉट दैट क्वांटम फिजिक्स। लेकिन चीज़ों का पैकेटाइजेशन किया गया था, एनर्जी का पैकेटाइजेशन किया गया था कि अलग अलग शेल की क्या क्या एनर्जी है। जब चीज़ों को पैकेट में बांध दिया जाए, कंटिन्यूम में ना रहे, तो हर एक की अपनी जितनी अलग अलग शेल्स हैं सबके इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनकी उसकी एनर्जी क्या है। और आपको मालूम है जैसे कि कोई फोटोन चलता है तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल भी है और क्या है, वेव भी है कि नहीं, तो क्या ये ड्यूअल नेचर हो गया। तो ड्यूअल नेचर ऑफ ईएम वेव्स, वेव का ड्यूअल नेचर या ईएम रेडिएशन। इसी तरीके से एक तरह का कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली ने प्रस्तुत किया। सो अगले पेज पे खोलोगी तो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मैं पेज नंबर तो बता ही देता हूँ। सो दिस इज डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, उन्होंने क्या बताया, लेट अस सी ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, पेज नंबर 46 में आ जाओ। तो ये चीज़ उन्होंने बता दी कि जब वेव के ड्यूअल नेचर हो सकते हैं तो पार्टिकल के ड्यूअल नेचर क्यों नहीं हो सकते, ये डी ब्रॉगली ने बताया। ब्रॉगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर। आप क्या समझती हैं कि एक अगर कार चल रही है सड़क पर तो क्या वो लहरा के चल रही है, या एक बॉल है वो ऐसे कहीं फेंकी गई तो क्या वो ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसा सोचती हैं? बोलो कि नहीं सोचती हैं, जस्ट आंसर आंसर दो तो आगे बढ़े, बोलो। अरे कुछ तो बोलो। हाँ तो अगर नहीं सोचती हैं तो सोचना चाहिए। अगर क्या आप सोचती हैं कि जो सड़क पे कार चल रही है क्या वो इस तरीके से चल रही है वेव में, बोलो। तो नहीं सोचती हैं तो सोचना चाहिए, ये बात हमें डी ब्रॉगली ने बताई। डी ब्रॉगली ने बताई अगर पार्टिकल बहुत छोटा हो, बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल साइज का हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो जब ये चलेगा तो इसमें एक वेव नेचर भी होगा। कोई स्ट्रेट लाइन में चीज़ चल ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये भी फोटोन एक पार्टिकल ही तो था, एनर्जी का पैकेट, और जो वेव में चला। तो उन्होंने कहा कि जो नेचर है उसकी सिमेट्री है, नेचर भेदभाव नहीं करता है। तो ये जब एक तरीके का एनर्जी पैकेट जो कि एक पार्टिकुलेट था वो ऐसे चला, व्हेन इट इमर्जेस एज पार्टिकल, टेक्स बर्थ एज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन को भी वेव की तरह चलना चाहिए। इन्होंने इसके स्पेक्ट्रम लिए, सब कुछ लिए, और ये बात दिखा दी कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम लिया गया है और फोटोन का स्पेक्ट्रम, तो वो दोनों एक जैसा पाया गया अगर उनका कंपैरिजन करते हैं
देन इट वॉज फाउंड सिमेट्रिक, ये चीज़ उन्होंने बताई डी ब्रॉगली ने। तो बाद में ये बात इस्टेब्लिश भी हो गई कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमेगा तो सीधे गोल गोल नहीं घूमेगा, वो वेव बन के घूमेगा, ये डी ब्रॉगली ने बताई। नाउ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन स्पेक्ट्रम। सो लेट अस सी दैट हाउ इट इज देयर। बाकी तो आप देखेंगे कि आगे बताया जाएगा। जस्ट होल्ड। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इंटरफेरेंस पैटर्न। जस्ट सी दैट इंटरफेरेंस के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया था कि अगर दो जगह से मान लो एक दीवार में दो छेद हों और यहाँ से वेव्स जा रही है तो यहाँ से एक तरीके के सर्कुलर पैटर्न पैदा होंगे कि नहीं, क्योंकि ये डिस्टरबेंस अब दूसरी तरफ पहुँच जाएगा और जो दूसरा दीवार में होल है उससे भी वहाँ उधर भी पानी है, तो वो चीज़ जो इधर का पानी है वो इस अपनी एनर्जी को उधर ट्रांसमिट कर देगा कि नहीं, और फिर उनके जो क्रेस्ट हैं या वो जो दोनों के क्रेस्ट क्रेस्ट जब मिलेंगे तो हायर क्रेस्ट बनेंगे जिसको कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है, और जब उनके ट्रफ ट्रफ मिलेंगे जहाँ पर वहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा। ये बात तो समझ में आई कि नहीं कि जहाँ पर मान लीजिए पानी है तो पानी में कहीं पानी उछल जाएगा और कहीं पानी समतल जाएगा, देखो ऐसे दिखाया गया है, इज इट करेक्ट कि इट इज़ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ वाटर, तो कहीं ज़्यादा उछल जाएगा कहीं कुछ रहेगा। तो सिमिलर इज़ द पैटर्न विद लाइट, कि कहीं लाइट और लाइट अगर सेम फेज में मिल गई तो उसको कहेंगे ज़्यादा लाइट, और कहीं डिफरेंट फेज में मिली तो उसको कहेंगे डार्क, अपोजिट फेज में मिली तो अंधेरा भी हो सकता है, तो लाइट प्लस लाइट क्या हो सकता है, डार्कनेस। तो जब हम इनके इंटरफेरेंस पैटर्न को देखते हैं, एक इसमें देख लो ये इलेक्ट्रॉन लिखा है, नीचे देखो दिखाई पड़ रहा है कि जूम करें, और ये फोटॉन लिखा है, बोलो बात समझ में आई, बताइए। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी सरफेस पर आते हैं तो बताओ इसमें डार्क बैंड क्यों आया है, क्या वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जब उसको स्क्रीन पे लिया गया, अंधेरा अपोजिट फेज में मिलेगी नहीं। जैसे कि फोटोन में क्या होता है, लाइट प्लस लाइट डार्क हो सकता है, रोशनी और रोशनी के साथ मिलकर क्या अंधेरा पैदा कर सकती है, कर ही सकती है अगर अपोजिट फेज में मिले, समझ में आई बात कि नहीं। सो अगर सेम फेज में मिले तो मोर ब्राइट है, और अपोजिट फेज में मिल गया तो वो नलीफाई कर देंगे, क्योंकि जब इंटेंसिटी ही नहीं रहेगी, एम्पलीट्यूड ही नहीं रहेगा तो इंटेंसिटी क्या बनेगी, बोलो। हमने फिगर बना के दिखाया था कि नहीं आपको पीछे इंटरफेरेंस का, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो ये फोटोन का देख लो, और क्या ये इलेक्ट्रॉन का, दोनों का वेव पैटर्न मिलता जुलता नहीं है, जब फोटोन में वेव नेचर है और इलेक्ट्रॉन में, क्या इससे ये बात साबित नहीं होती कि ये बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन का कई लोगों ने ये कंपेयर किया और ये पाया कि ये बिल्कुल एक जैसे हैं। सो इन नेचर इन बिहेवियर दे आर सिमेट्रिकल। तो इट इज़ नाउ वेल इस्टेब्लिश्ड। अच्छा, इसके बारे में एक चैप्टर है जो कि आपको आगे बता दिया जाएगा ट्वेल्थ में कि किस तरीके का, इसको फ्रिंज पैटर्न कहते हैं, कि अगर आप बहुत पतली ब्लेड से लाइट फेंकें तो वहाँ पर जब लाइट आप फेंकेंगी किसी ब्लेड से, इधर लेज़र लाइट फेंकिएगा, ये ब्लेड है तो इसके एंड पर फेंकोगी तो यहाँ से जब ये मुड़ेगी तो यहाँ पर एक स्क्रीन पैटर्न बनेगा, तो कहीं पर डार्क होगा, कहीं ब्राइट, फिर डार्क होगा, कहीं ब्राइट, इस तरीके से यहाँ से जब ये इसका डाइफ्रेक्शन होगा, थोड़ी सी मुड़ेगी, और नहीं तो डाइफ्रेक्शन ना कराना चाहो तो इसी में ये लाइट यहाँ से आ रही है तो ये इधर मुड़ेगी और इसी में पैटर्न बन जाएगा। तो बहुत सारी इसमें मिलियंस ऑफ वेव हैं, वो आपस में क्या करेंगी, इंटरफियर करेंगी, कहीं डार्क बनाएंगी और कहीं पर लाइट बनाएंगी इसी स्क्रीन पर। अगर इसे पूरी स्क्रीन मान लिया जाए तो पूरी स्क्रीन में कहीं कहीं क्या होगा,
डार्कनेस होगी, और कहीं कहीं क्या होगा, ब्राइटनेस, जिसको कि फ्रिंज पैटर्न कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, फ्रिंज पैटर्न। सिर्फ हमने ब्लेड से या एल्यूमिनियम फाइल में एक छेद किया है और इधर से लाइट फेंकी और ऐसा हमें पैटर्न मिला। एल्युमिनियम फाइल में भी अगर आप छेद करो तो एल्युमिनियम फाइल में गोल गोल छेद कर दो, तो यहाँ पर एक स्क्रीन रख दो और स्क्रीन में आप देखोगे कि सर्कुलर डार्क पैटर्न बनते चले जाएंगे ऐसे। सो अब ये देखो इस तरीके से बनेंगे। अगर आप किसी, वैसे तो ये फ्रिंज पैटर्न हम आपको दिखा दें कि इस तरीके से होगा ऐसा। अगर आपके सामने कोई गाड़ी आ रही हो, ये देखो पानी का इंटरफ्रेंस, उछलना और गिरना, ये भी यहाँ दिखाया गया है। तो कोई अगर गाड़ी आ रही है, सो जरा देखें कि फ्रिंज पैटर्न ऑफ हेडलाइट इन आवर आईज, फ्रिंज पैटर्न ऑफ हेडलाइट इन आवर आईज। लेट अस सी, तो फिर हम आगे आपको बात करें। सो कभी भी अगर लाइट की रोशनी आपकी आंखों में पड़ेगी तो देन इट मेक्स सर्टेन, कभी कभी इस तरीके का आप लाइट अगर देखोगे तो ऐसा आपकी आंखों में रोशनी आएगी, बीच की लाइट और उसके चारों तरफ। कभी रात को निकलो और सामने से लाइट आ रही हो तो आपको दिखेगा कि अरे उसके चारों का अंधेरा, फिर दूसरा सर्कल ऐसा दिखता है। समझ में आई बात की नहीं? तो जैसी लाइट होगी, इट विल बी, अगर बहुत ब्राइट लाइट होगी तो भी इस तरीके से आपको दिख जाएगा। मेन लाइट तो ये होगी, ये इस तरीके से देखा है कभी? अब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ऐसा कभी गौर किया है कि नहीं? फ्रिंज पैटर्न, मेन हेडलाइट और चारों तरफ अंधेरे में निकलो तो इस तरीके से आपको लाइट ये दिखती है, ठीक है? सच इस, तो ये बिल्कुल बिहेवियर ही हमारी रेटिना पे बनता है। कभी पे हेडलाइट बहुत ज़्यादा चमकदार हो देन यू विल सी। अच्छा, अब आपको समझ में ये बात तो आ गई कि इलेक्ट्रॉन में भी क्या है, डुअल नेचर है। और ये बात किसने बताई? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज डुअल नेचर, इन द सिमिलर मैनर द मटेरियल पार्टिकल्स आल्सो हैव वेव नेचर इन एडिशन टू देयर पार्टिकुलेट नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वेव के अलावा पार्टिकल नेचर था, तो पार्टिकल में भी पार्टिकल के अलावा वेव नेचर होगा कि नहीं? क्योंकि नेचर अपने बिहेवियर में सिमेट्रिकल है, बताइए। सो एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन इज पार्टिकुलेट इन एडिशन टू वेव नेचर, ठीक है, इन सिमिलर मैनर इलेक्ट्रॉन्स, जो भी है कि इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग वेव नेचर, इन एडिशन टू पार्टिकुलेट नेचर। जरा इस बात को समझें, जब निकल की प्लेन सरफेस से, बिल्कुल प्लेन सरफेस, उसको फ्यूज मेल्ट कर दो तो बिल्कुल उसकी एक रेगुलर सरफेस हो जाएगी। ये निकल का सरफेस है और उसके अलग अलग पार्टिकल अलग अलग अरेंज हैं, ये अरेंज है। अब इलेक्ट्रॉन इस पर फेंका गया, तो जब इलेक्ट्रॉन फेंका गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराया इससे, और यहाँ से टकरा के वो ऐसे गया। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, वो अंदर वाले पार्टिकल से टकराया, और यहाँ से टकरा के वो ऐसे गया। अब ये अलग अलग जगहों पर, अगर यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम रखा जाए तो कहीं कहीं पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस देंगे। ये देखो, जैसे ये इन दोनों का फेस सेम है तो इस जगह पे मिल जाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हमने भेजे, तो इस स्पेक्ट्रम में जब हमने इनकी वेवलेंथ मेजर की तो कहीं ज़्यादा पाई गई, फिर कम पाई गई,
और फिर ज़्यादा पाई गई, फिर कम पाई गई, तो अल्टरनेट बैंड्स मिले। क्यों? क्योंकि जो दो वेव्स होती हैं, ये यही दो वेव्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेम फेज में मिल जाएंगी। अब कहीं ना कहीं जब ये दूसरे पॉइंट पर जाएंगी, तो दूसरे पॉइंट पर जब इनके मिलने की बारी आएगी, तो देखो अपोजिट फेज में मिली, क्योंकि उनके बीच में क्या होगा, पाथ लेंथ डिफर कर जाएगी। यहाँ पर इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है, और यहाँ पे बिल्कुल सेम सेम है, पाथ लेंथ का फर्क पड़ेगा कि नहीं भाई? दो वेव हैं, अब जैसे जैसे है तो उनके बीच में कहीं पर अंधेरा कहीं उजाला, ये पूरी स्क्रीन है, तो ये डार्क हो गया क्योंकि ये अपोजिट फेज में मिली। और ये कैसा हुआ? राइट, तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ऐसा तो लाइट में भी होता है ना, जैसे मोर के पंखों में होता है, बताया था कि नहीं आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो ये ब्रैग एंड ब्रैग ने ये एक्सपेरिमेंट किया। ब्रैग पिता का नाम है एंड उनके बेटे का भी नाम ब्रैग है, तो ये फेमस एक्सपेरिमेंट आपको अगली क्लास में बता दिया जाएगा। लेकिन अभी देखिए, ब्रैग एंड ब्रैग का ये फेमस एक्सपेरिमेंट है, और इन्होंने जो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया था। तो डार्क बैंड हो गया, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स ने इन्होंने ब्रैग एंड ब्रैग ने डी ब्रॉगली के इस स्टेटमेंट को डिफाई करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये उसका समर्थन कर बैठे, और बाद में इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया। सो ये निकल के क्रिस्टल पर ये काम किया गया, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट, और ये स्क्रीन है। अच्छा, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज डुअल नेचर, एवरी मेटीरियल पार्टिकल हैज डुअल नेचर व्हाइल इट्स मूवमेंट। ओके, क्या अर्थ चलती है तो वो ठीक ठीक गोल गोल चलती है कि लहरा के चलती है? वेव में। सो एवरी मेटीरियल पार्टिकल हैज वेव नेचर इन एडिशन टू, फिर आपके मन में ये प्रश्न आएगा, इन एडिशन टू पार्टिकल नेचर, तो आप कहेंगे ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, आप कह रहे हैं कि वेव नेचर है, तो चलो यही क्वांटम फिजिक्स भी कहती है। जब से ये पार्टिकल नेचर आ गया, कि यहाँ से असली क्वांटम फिजिक्स शुरू हो गई, कि जब से डी ब्रॉगली का ये स्टेटमेंट आया है, तो समझ जाना कि यही असली क्वांटम फिजिक्स है। ये 1924 में ये बात कही है। सो डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल वाज एस्टेब्लिश्ड इन प्रोजेक्टेड इन 1924। डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर वॉज प्रोजेक्टेड या प्रपोज्ड इन 1924 कि इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है, हैज वेव नेचर, दैट इज एज पर इट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स मोशन हैज वेव नेचर। चलेगा तो वेव है, ऐसे प्लेनली नहीं चल सकता। जरा देखें तो कि अब हमारे पास सी क्या होता है, क्या न्यू लेमडा होता है, और ई क्या होता है बताओ, क्या एम सी स्क्वायर होता है, बताइए। अच्छा, नाउ अब हम देखें कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और एक E इज इक्वल टू क्या एच न्यू होता है, ये किसकी थ्योरी है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये क्या है, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। तो
इन दोनों में अगर किसी भी पार्टिकल के लिए देखा जाए, ई ई को कंपेयर किया जाए तो किसी चीज़ के लिए, तो क्या एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा? तो क्या एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा हो जाएगा? ऊपर ऊपर वाली चीज ले आओ, क्यों? क्योंकि न्यू क्या होता है बताओ, सी बाई लेमडा होता है क्या? तो ये हटा दो सी सी, तो इससे क्या, अब लेमडा इधर ले आओ, तो लेमडा क्या एच बाई एम सी हो गया। एंड फॉर मेटीरियल पार्टिकल, वो तो प्रकाश की गति से नहीं चल सकते, सो फॉर मेटीरियल पार्टिकल्स सी इज रिप्लेस्ड बाई वी, किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा? वी, वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस ये जो है ये डी ब्रॉगलीज इक्वेशन हो जाएगी, लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी, इट इज़ डी ब्रॉगलीज इक्वेशन फॉर मेटीरियल पार्टिकल्स, यानी किसी भी पार्टिकल के लिए आप उसका लेमडा निकाल सकते हो। तो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन फॉर मेटीरियल पार्टिकल्स, यानी हम इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो फॉर इलेक्ट्रॉन जरा देखें एच की क्या वैल्यू होती है, उसकी लेमडा निकालें जरा, 6.626 इंटू 10^-34, उसका मास क्या होता है? और जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, जैसे इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन एटम का, हम इसको कैलकुलेट करवा देंगे अभी थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे चल रहा है वो 2×10^6 मीटर पर सेकंड से चलता है, जो इसकी पहली ऑर्बिट है ना उसमें ये किस स्पीड से चलता है हाइड्रोजन एटम के लिए, ये इसकी क्या हुई, क्या ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड हुई? तो वो स्पीड ले लो 2×10^6। अब हम इससे लैम्डा निकाल लिए, डी ब्रोगली की इक्वेशन इसी से निकलेगा। तो अब देखो 6.626 अपॉन 9.1×2, और यहाँ कितना जाएगा, इससे -3 आएगा और 6 और ऊपर ले जाओ तो क्या -9 आ जाएगा? बोलो, बताइए। जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर और × 10^-9, तो इस तरीके से लगभग देखा जाए तो ये नैनोमीटर है, 0.364 नैनोमीटर। तो इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन से उसकी वेवलेंथ थोड़ी अलग है और कम है। कैसे कम है? अगर मैं 364 करूं तब ये नैनोमीटर नहीं रह जाएगा, तब और भी आप सोचोगे छोटी हो गई वेवलेंथ, थोड़ी सी तो बढ़ाने से ये छोटा नहीं हो जाएगा क्या, ये -12 नहीं हो जाएगा? बोलो, पिकोमीटर। तो इसकी वेवलेंथ अगर मान लीजिए ग्रीन की वेवलेंथ इतनी है, तो क्या जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो और छोटी होगी, 1000 गुना छोटी होगी? ये विजिबल लाइट है ये ग्रीन, बोलो। अच्छा ये बताओ कि मीटर स्केल के प्रिसीजन अच्छा है कि वर्नियर स्केल का? वर्नियर का अच्छा है कि स्क्रू गेज का? जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा क्या उसका प्रिसीजन उतना अच्छा होगा? तो इसका जो लेमडा है वही तो इसका लीस्ट काउंट है, उसको हम एक सरेशन मान सकते हैं, कि एक तरीके से जैसे सरेशंस होते हैं ना स्केल में, निशान बने होते हैं, ये सब सरेशंस हैं कि नहीं, मीजरिंग, तो ये भी एक सरेशन हो गया। सो दिस इज एक्टिंग एज सरेशन,
तो इसका लैम्डा जो है वही इसका लीस्ट काउंट है. सो लैम्डा इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ एनी वेव, अगर हम इसको मीज़र करने के लिए यूज़ करते हैं. सो लैम्डा इज़ लीस्ट काउंट ऑफ एनी वेव. अच्छा, ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ये कैसा बताइए, क्या इसमें लेंस लगते हैं? जो आपने नाइन्थ में पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या सब वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं? अच्छा, ये कौन सा माइक्रोस्कोप बनाएगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाएगा? अब जिसका 1000 गुना ऐसा हो प्रिसीजन, तो हम थोड़ा और बहुत अल्ट्रेशन करा सकते हैं, तो प्रिसीजन तो सीधा इसका 50 लाख गुना बढ़ जाता है भाई. अब जिसका जिसका लीस्ट काउंट कम है, एज इलेक्ट्रॉन हैज, इलेक्ट्रॉन वेव हैज वेरी लेस लीस्ट काउंट, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज मोर प्रिसीजन. बोलो, हैज वेरी लेस लीस्ट काउंट, सो इट्स माइक्रोस्कोप, उसमें इलेक्ट्रॉन की बीम भेजी जाती है, एज मोर प्रिसीजन. क्या आप ऐसा सोचती हैं कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी और बढ़ा दूं तो इसका लैम्डा और कम हो जाएगा और इसका प्रिसीजन बढ़ जाएगा? तो ऐसा किया जाता है, बहुत फास्ट वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं. तो ये तो हमने लैम्डा निकाल लिया फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया. लेकिन किस कोई भी बॉल अगर वो वेव के नेचर में हो तो हम उसे कैसे कैच कर सकते हैं? तो फिर कोई भी खिलाड़ी कैच ही ना कर पाता, कहता ये तो लहरा के आ रही है, हम कैच ही नहीं कर पाएंगे. तो बॉल के केस में ज़रा देखें उसकी वेव लेंथ क्या होती है. इन्होंने तो बता दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो अगर ये सेंटर है और थर्ड ऑर्बिट में चल रहा है, तो थर्ड ऑर्बिट में, ये मान लो थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट में चलेगा तो इनका कहना था कि थर्ड ऑर्बिट में ये तीन वेव बनाएगा. ये तो डी ब्रोगली बता दिया कि तीसरी ऑर्बिट में कितनी वेव बनाएगा, और चौथी ऑर्बिट में कितनी वेव बना देगा, फोर. इसी तरीके से जो सेकंड ऑर्बिट होगी उसमें टू वेव बनेगा, तो फोर्थ में देखें. तो ये इस तरीके से एक वेव, फिर दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव, और फिर चौथी वेव. समझ में आ गई, फोर्थ में. अच्छा, जो इसकी सेकंड ऑर्बिट होगी तो उसमें एक वेव और दूसरी वेव, ये सेकंड ऑर्बिट है, और फर्स्ट में एक ही बनाएगा. ये बात किसने बता दी? डी ब्रोगली ने, कि वेव बनाएगा. सो द नंबर ऑफ सेल इज द नंबर ऑफ वेव्स, और वही उसकी अगली डेफिनेट शेल होगी. क्यों क्वांटम थ्योरी बताई, क्यों बताया कि इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, अगले की पर्टिकुलर एनर्जी होती है? क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर लैम्डा होगा, और लैम्डा पता चल जाएगा तो क्या E इज इक्वल्स टू एच सी से हम उसकी एनर्जी निकाल लेंगे प्लांट क्वांटम थ्योरी से. बोलो, तो फिर हर एक शेल की अपनी फिक्स्ड एनर्जी लेवल हुई कि नहीं? फिर रदरफोर्ड का मॉडल डिफाई हो गया कि नहीं? अब 3 लैम्डा के बाद अब जहाँ 4 लैम्डा बनेगा वही उसकी सेल होगी अगली, बीच में नहीं हो सकती है कि लैम्डा कट जाए. ऐसा तो आप नहीं सोच रही हैं कि एक वेव बनाई, फिर दूसरी वेव बनाई और तीसरी कट गई, वहाँ भी हो जाएगा क्या उसका सेल? तो इसलिए जहाँ थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव कंप्लीट होगी उतनी दूरी पर अगली सेल होगी, और उसकी अपनी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एनर्जी होगी. तभी तो बोर के मॉडल में आपने नाइन्थ पढ़ लिया था कि इट्स वेरियस शेल्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, उनका एक बिल्कुल अलग तरीके का ऊर्जा स्तर होता है, विलगित ऊर्जा स्तर होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. ये किस वजह से है, ये डी ब्रोगली ने इसे प्रूव कर दिया कि नील्स बोर ठीक कह रहे हैं. अच्छा, ये बात तो आपने